उधमपुर की रैली में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। सावन में नॉनवेज खाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। पूछा, सावन में नॉनवेज का वीडियो डालकर किसे खुश करने की है कोशिश? मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, पहले आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, भारत सहयोग के लिए तैयार। चीन को दिया कड़ा संदेश, बोले किसी को नहीं लेने देंगे जमीन का एक भी इंच। मोदी जी की नेतृत्व की गवर्नमेंट के रहते हुए एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता और एक इंच भी जमीन अपनी जाने नहीं देंगे। पीएम मोदी पर दिए बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच मीसा भारती अपने बयान से पलटी। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। बीजेपी का पलटवार। तो मैंने बयान दिया कि चल रहा है। पूरा सुना है। उनको तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। चार जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे। 1200 से ज्यादा रिपोर्टर्स के साथ देखिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया पर। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए का एक्शन। दो फरार आरोपियों को कोलकाता के पास से किया गिरफ्तार। बीजेपी ने बंगाल सरकार पर उठाए सवाल। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली कंगना रनौत ने राजनीति में एक मंझे हुए नेता की तरह विरोधियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना ने मनाली में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस राहुल गांधी और हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए विक्रमादित्य को छोटा पप्पू कह दिया, जिस पर विक्रमादित्य ने उन्हें नसीहत दी। शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं।